हे गाइस, दिस इज सत्यम फ्रॉम द टिकी फ्रेंड्स। और गाइस, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये मेरा पहला चैनल है, और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं ये पहला वीडियो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, पहले सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आई होप मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। गाइस, थोड़ी बहुत नॉइस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो माइक की वजह से है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो गाइज, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बूटस्ट्रैप, उसके यूज और उसके एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने HTML और CSS थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज है, तो आपको बूटस्ट्रैप समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, मैं हूँ उसके लिए। मैं आपको बताता चलूँगा जहाँ मुझे लगेगा कि उस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना, तो आप किसी भी वेबसाइट से जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज, उसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, जिसके द्वारा आपको क्या होगा कि इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, आपको नहीं भी पता है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ उसके लिए। मैं आपको बता दूंगा जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी उसकी। तो अब हम आते हैं, व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो गाइज, बूटस्ट्रैप ट्विटर के द्वारा डेवलप किया गया एक फ्री एंड ओपन सोर्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जिसका यूज हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने में करते हैं। तो गाइज, अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है। तो गाइज, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि हम सभी ने सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो जिसमें लिक्विड की अगर हम बात करें, तो उसमें ये आता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। यानी हम उसको जिस टाइप के कंटेनर में रखते हैं वो अपने शेप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब हम सेम यही चीज़ आते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में। यानी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को जिस टाइप की डिवाइस में ओपन करते हैं, वो अपने आप को उस डिवाइस के अकॉर्डिंग, यानी उस डिवाइस के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसको डेस्कटॉप में ओपन करें तो वो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, अगर हम उसको लैपटॉप में ओपन करते हैं तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग, अगर हम उसको टैबलेट में ओपन करते हैं या फिर सेलफोन में ओपन करते हैं, तो अपने आप को उन सभी डिवाइस के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेती है। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखा के समझाना चाहूँगा, जिसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो आई होप कि आपको उस इमेज के थ्रू रिस्पॉन्सिव और नॉट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को समझने में ज़्यादा इजी होगा। हाँ, तो आई थिंक आपको यहाँ दो इमेजेस दिख रहा होगा, मैं थोड़ा से जूम कर देता हूँ। हाँ, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ नॉन रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, आपको आई थिंक आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और यहाँ रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है। तो गाइज, अगर आप ध्यान से देखिए, जो ये नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, इसमें चीज़ों को पढ़ने में और देखने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ये देखिए कितनी ज़्यादा क्लियर है, जबकि दोनों एक ही वेबसाइट है, कितनी ज़्यादा क्लियर है। तो और मैं आपको कुछ और इमेजेस दिखाता चाहता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। माफ़ कीजिएगा, अभी नया नया हूँ तो थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हैं, ये नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हैं। और जब इसी चीज़ को हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने जब इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया, इससे ये हमने किया, तो ये देखिए जो इस साइड वाली वेबसाइट है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पे मेन्यूज थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यूज थे वो इस साइड चले हैं। अब ये देखिए कितना ज़्यादा क्लियर हमें दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये बाकी के जो कंटेंट है वो कहाँ गए। तो गाइज, ये इमेज है, मैं इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं सकता हूँ। इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे यहाँ पे हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जो कि किसी भी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस और नॉन रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करती है। वो वेबसाइट का नाम है, ये देखिए, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
ये वो एक वेबसाइट है जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को ये चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस डिवाइस में किस तरीके से दिखेगी। तो ये एक इंडिया टीवी का की वेबसाइट है जिसे मैंने ओपन किया हुआ था, और इसका यूआरएल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पे ले आके, जब आप, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे उस आपको उसकी इस लिंक को पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गई। अभी गाइस जो ये है, ये डेस्कटॉप पे है, यानी डेस्कटॉप पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर हम चलते हैं इसे टैबलेट पे ओपन करने, तो मैं इसे ओपन करना चाहूँगा एप्पल आईपॉड प्रो पे। ये देखिए उस पे आपको ये इस तरीके दिखेगी। और अगर मैं बात करूँ आपको एसोस पे, तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगी। और हम अब आ जाते हैं मोबाइल पे, और मोबाइल पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एप्पल आईफोन। ये देखिए आपको आईफोन पे इस तरीके दिखेगी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसकी ये जो सारे जो मेन्यूज थे वो इस वेबसाइट में यहाँ पे आ गए हैं। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये मोबाइल व्यू पे ऐसी दिखेगी गाइज। इसी प्रॉपर्टी को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो ये देखिए रोटेट करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगी। तो गाइज ये अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग है, आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में गया तो ये जो लेक्चर है, सीरीज है, जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा रिस्पॉन्सिवनेस और नॉन रिस्पॉन्सिवनेस में डिफरेंस। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिर्फ इसके यूज़ एडवांटेज के बारे में बताऊंगा। और तो चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो गाइज इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि इसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा गाइस जो इसका बेनिफिट है बूटस्ट्रैप यूज करने का, वो ये है कि ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव तो बनाती है, साथ ही साथ इसका यूज कर देने से वेबसाइट जो होती है वो दिखने में पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है। यानी पहले उसमें अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो जब हम HTML में किसी एक बटन का कोड लिखते हैं, तो उस बटन तो बहुत ही बेसिक सा वो कोड आता है, बहुत ही बेसिक सी बटन बन के आती है। तो उसको उसको हम डिज़ाइन करने के लिए, उसका बैकग्राउंड और उसके बॉर्डर, उसकी साइज़ को चेंज करने के लिए हम अलग से CSS देते हैं। तो गाइज बूटस्ट्रैप क्या करता है कि उसकी लाइब्रेरी में बनी बनाई सारे कोड्स पहले से रखे हुए हैं। मैं आपको जब उसे यूज करूँगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा वहाँ पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस अभी थोड़ा से समझा दे रहा हूँ। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हमें उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो हम सिंपल HTML और CSS में उस बटन को की डिज़ाइन देने के लिए हम जो कोड लिखते थे, वो हमें बूटस्ट्रैप में लिखनी नहीं होती। हमने सिर्फ एक क्लास यूज किया बटन, और आपको किस टाइप की बटन चाहिए आप वहाँ पे लिख दीजिए, वो अपने आप आपको उस टाइप की बटन ला के दे देगा। तो खैर आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे समझाता रहूँगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस। बूटस्ट्रैप जो है ये ओपन टू ऑल है, यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो ASP.NET हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये सिर्फ PHP के साथ काम करेगी, या फिर ये सिर्फ जावा के साथ काम करेगी, या फिर ये सिर्फ ASP.NET के साथ काम करेगी। ये ओपन टू ऑल है, आप इसका कहीं भी फ्रीली यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्री है बिल्कुल भी। और अब इसके हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, यानी सॉरी इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो इसका एडवांटेज है वो ये कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेती है, यानी आपका लॉट ऑफ टाइम बचता है अगर आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है इसके पहले वाले पॉइंट में, कि किस तरीके से आप बटन, जब आप सिंपल HTML और CSS का यूज करते हैं तो उसका अलग से कोडिंग लिखते हैं, लेकिन आप जब बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं तो सिंपल एक सिर्फ उसकी क्लास यूज कर देते हैं, वो आपको जिस टाइप की बटन चाहिए वो बटन ला के आपको दे देता है। तो गाइज ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और फोर्थ जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइज, वो ये है कि ये कस्टमाइजेबल है। अब
ये आपको वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये देखिए, ये इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यानी देखिए गाइस, क्या होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप उसमें जितना ज़्यादा कोड लिखते रहते हैं, वो वेबसाइट उतनी ज़्यादा हैवी होती चली जाती है। बूटस्ट्रैप हमको ये फैसिलिटी देता है कि आपको अपने वेबसाइट में जो जो चीज़ें यूज़ करनी है, लाइक आपको टेबल यूज करना है या फिर सिर्फ टेबल ही यूज करना है, सिर्फ बटन ही यूज करनी है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रहा हूँ, तो आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है आप सिर्फ उन्हीं चीज़ को यूज़ करिए, बाकी चीज़ों को आप यूज़ मत करिए। गाइस जब हम आगे इसकी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको मैं उसमें ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो देखिए, ये हम इस साइट पे आए हैं इसकी, जो कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट है सॉरी। अब यहाँ पे आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको सिर्फ बटन्स की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या फिर आपको नेवबार की ज़रूरत है, इसकी नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हैं और अपने जो वेब फाइल है उसमें आप यूज कर सकते हैं। और एक गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल बताना भूल गया था, रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिवनेस का। ये तो जो मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट है, आप इसको अपने से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बूटस्ट्रैप की एक साइट खोल रखी है, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं अपने ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज़ जब मैंने इसे किया, ये देखिए मिनिमाइज़ करने पर जो ये वेबसाइट थी, इसने अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर लिया। यानी हमें ज़रा भी ये नहीं लग रहा है कि जो इसके अंदर के डेटा था वो कहीं इधर चला गया या फिर कहीं इधर उधर चला गया। अब मैं इसको देखिए रिसाइज करता हूँ, तो ये देखिए किस तरीके से, आप देख रहे होंगे किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रही होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, और एक बार फिर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। आप ये जो यहाँ पे ये जो मेन्यूज़ दिए हुए हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की होगी इसे समझाने की। और एक एग्जांपल और है जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, उससे ज़्यादा बेटर है ये पेज। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसे अब मैं मिनिमाइज़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे रिसाइज करूँ, ये मेन्यूज़ अभी ऐसे हैं जब हमने इसे डेस्कटॉप पे खोला, उसके बाद जैसे जैसे हम इसे मिनिमाइज़ करते जाते हैं, देखिए आप इसका जो मेन्यूज़ है वो और छोटा हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने आप को, जब हम ये देखिए अब ये टैबलेट मोड पे आ गया गाइस। तो ये देखिए इसने क्या किया, अपने आप को उस रेजोल्यूशन जो इसके जो इसका रेजोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया। तो गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में उसे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप कि उस प्रॉब्लम को दूर करने की। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे और उन्हें आप देख पाएँ। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।